तब क्या होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन है लैंडस्लाइड के लिए। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है कि जब बेड स्लोप और एस्कार्पमेंट स्लोप दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, ठीक हो गया। अब फिर क्या हो जाती है कि वहां पे जब ये अनफेवरेबल कंडीशन थी लैंडस्लाइड के लिए, तो हमने उसके साथ साथ डिफरेंट पैरामीटर भी डिस्कस किए थे कि हो सकता है कि स्ट्रक्चर पार्ट पार्ट का क्राइटेरिया वहां पे हो सकता है कि ग्लोबल फिनोमेना हो सकता है। जिस तरह सर ने आपको बताया था कि हम रेनफॉल ट्रिगरिंग फैक्टर भी देखते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि रेनफॉल ट्रिगरिंग फैक्टर के लिए उस चीज को स्कोर करनी हो, तो हम उसको इन पैरामीटर्स को देखने के लिए वहां से भी सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग के पहले आपको बताया हुआ है कि मैट्रिक्स दो तरह के हैं, एक हम अच्छा है डिस्टर्ब सैंपलिंग और एक है अनडिस्टर्ब सैंपलिंग। अब याद रखें कि जो अनडिस्टर्ब सैंपलिंग है वो किसी इक्विपमेंट के थ्रू हम हमेशा कलेक्ट करते हैं, विदाउट इक्विपमेंट अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट नहीं किए जा सकते। तो अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं ज्यादातर आजकल जो है वो शेल बैक ट्यूब यूज की जाती है अनडिस्टर्ब सैंपलिंग के लिए, लेकिन किसी बोर होल के अंदर होगा कि जब हम बोर होल ड्रिल करेंगे तो वहां से हम जो उस बोर होल के अंदर से शेल बाई ट्यूब के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, जिसको हम यूबीएस कहते हैं, यानी अनडिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब सैंपल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम सैंपल को उस रात को या उस स्ट्रेस को हम ड्रिल करते हैं सब सर्फेस के अंदर, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें सर्फेस के ऊपर एज इट इज एनालाइज करनी है। उसमें दो मेन चीजें, एक कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना था, उसकी पोर स्पेसेस की कंडीशन क्या थी, दूसरी कि उसका साइज स्ट्रक्चर क्या था या लार्ज स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, कि जिस कंडीशन के ऊपर वो सब सर्फेस में पड़ा हुआ था ये सर्फेस पे जो मौजूद है उस कंडीशन को हमने ऑब्जर्व करना है। तो इन दो चीजों को हम अनडिस्टर्ब कंडीशन के अंदर देखते हैं। जैसे आप लैंडस्लाइड के ऊपर गए थे तो आपको जब हमने वो लैंडस्लाइड का मास दिखाया था जिसके ऊपर आपने ट्रैवल भी किया था, आपको ये तो पता था कि ये सी लोकेट पीछे ट्रैवल होके आया है नीचे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये किस कंडीशन के अंदर मौजूद था, वहां पे किस लेवल पे सैंडस्टोन था, किस लेवल पे क्लेस थी, किस लेवल पे सैंड थी, के अंदर वो तमाम पार्टिकल्स हमें उस लेवल के ऊपर देखने होते हैं। तो लेवल उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी उन प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करते हैं। और जब अनडिस्टर्ब सैंपल सरफेस पे कलेक्ट किए जाते हैं, जब ड्रिलिंग के थ्रू हम किसी बोर होल के अंदर से उसको शेल बाय ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मॉइस्चर प्रिजर्वेशन के लिए हम सबसे पहले चीज क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं किसी एक ऐसे बैग के अंदर कि जिसके अंदर से मॉइस्चर उसका जो है वो खत्म ना हो, या हम उसकी वैक्सिंग कर देते हैं कि उसके ऊपर वैक्स कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है कि उसका मॉइस्चर उसके अंदर प्रिजर्व रहे, उसका स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रिजर्व रहे, और उसको लैबोरेटरी में एनालाइज करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सैंपलिंग हम परफॉर्म करते हैं वो है डिस्टर्ब सैंपलिंग। अब डिस्टर्ब सैंपलिंग क्या है, उस वो डिस्टर्ब सैंपलिंग जैसे आप उस लैंडस्लाइड के ऊपर गए तो उस लैंडस्लाइड के हुए वहां पे जो लैंड मास रिमूव हो चुका था उसमें 6 महीने हो चुके थे, 8 महीने हो चुके थे, हम उस टाइम जगह पर पहुंचे हैं, पर उसकी जो उस टाइम की मॉइस्चर कंडीशन थी वो चेंज हो चुकी है, उसका जो साइज स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। आपने ये भी देखा कि उस लैंडस्लाइड के अंदर से उसी लैंडस्लाइड के मटेरियल के ऊपर से रोड बना दी गई, ऐसे ही हुआ ना, जो पैच के अंदर रोड मौजूद थी वो उसी लैंडस्लाइड का मटेरियल था, उसी को कंपैक्ट किया गया और उसी के ऊपर रोड बना दी गई, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो अपनी नेचुरल कंडीशन में नहीं थी, अब वो डिस्टर्ब कंडीशन में थी, तो हमने वहां से डिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट किए। तो डिस्टर्ब सैंपलिंग कलेक्शन का मेथड ये है कि अगर हम प्रोफाइल मेजरमेंट कर रहे हैं तो प्रोफाइल मेजरमेंट के साथ हमने 3 लोकेशन के ऊपर आपको लैंडस्लाइड की लोकेशन के अंदर बताया था सर ने कि 3 तरह के जोन हैं, एक जोन ऑफ डिप्लीशन है, एक जोन ऑफ ट्रांजिशन और एक जोन ऑफ कंप्लीशन है। जोन ऑफ डिप्लीशन से जब भी हम कोई सैंपल कलेक्ट करेंगे वो अनडिस्टर्ब सैंपल होगा, क्योंकि आपको ये बताया था कि वो फ्रेश फेस होता है आपका, जहां से मटेरियल ने मूव किया, जो बाकी मटेरियल जोन के अंदर पड़ा है वो इंटैक्ट मटेरियल उस रॉक के साथ उस सरफेस के साथ, तो वहां से अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट किया जाता है।
और डिस्चार्ज सैंपल आप बाकी बॉडी में से लेते हैं जिसमें जोन ऑफ ट्रांजिशन और जोन ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। अब उसके अंदर से हमने उस प्रोफाइल लाइन के अंदर मटेरियल की बॉडी के अंदर से हमने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। उस प्रोफाइल लाइन के अलावा जिसके अलावा हमने लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल परफॉर्म की थी। और फिर दूसरा मेथड ये है कि डिस्चार्ज सैंपलिंग का हम डायनेसाइट बॉडी को मार्क करते हैं, जो डायनेसाइट का मटेरियल है ये अगर इसका साथ था और ये सारा इसका डिफ्यूजन जोन था तो मटेरियल का टॉप यहाँ पे मौजूद है और यहाँ तक ये जो है सारा डिपॉजिट हुआ है। हम इस पूरे उसके अंदर से सैंपल कलेक्ट करते हैं और मेथड क्या होता है कि हम लेफ्ट लाइन से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, राइट लाइन से और एक सेंटर से। इस मटेरियल के टॉप सेंटर और बॉटम से हम तीन तीन सैंपल्स कलेक्ट करते हैं क्योंकि एक टेस्ट की बेस के ऊपर कभी भी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ज्यादा सैंपलिंग जब करते हैं तो हमेशा लेफ्ट में राइट में और सेंटर जो है बॉडी का सेंटर मटेरियल की बॉडी का सेंटर जो है उसमें से हम कलेक्ट करते हैं। और फिर इसके साथ हम क्राउन से सैंपल कलेक्ट करते हैं कि जो टॉप क्राउन है जो अनडिस्टर्ब पार्ट है लैंडस्लाइड का वो जो एग्जिस्टिंग सरफेस है वहां से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। समझ आ गई बात कि उसकी फ्लैंक्स के ऊपर भी जो अनडिस्टर्ब पार्ट है उस पर से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं और जो टॉप क्राउन है उसके ऊपर से भी हम अनडिस्टर्ब पार्ट से जो है वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। और फिर इन सैंपल्स को हम लैब के अंदर लाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये कि हम इन सैंपल्स को ला के हमने काम क्या परफॉर्म करना है, चीजें क्या देखनी है उसके अंदर से उसको देखने के लिए कुछ वैसे टेस्ट है। अभी तो हम लैंडस्लाइड के सैंपल्स पे टेस्ट कर रहे हैं लेकिन जो टेस्ट आपको दिए गए और जो टेस्ट की सिलेक्शन हुई है सिर्फ ये ध्यान में रख लें कि ये टेस्ट तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, डैम कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह का सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वहां पे ये बेसिक टेस्ट लाजमी परफॉर्म किए जाते हैं। ये वो डेंजरस टेस्ट हैं जो हर प्रोजेक्ट के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। इस यही वजह है कि हमने ये टेस्ट आपके लिए सिलेक्ट किए हैं इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान। इसके अलावा कुछ टेस्ट होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ नहीं गए, हमने वो कॉमन टेस्ट सिलेक्ट किए हैं कि जो आपको हर नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर परफॉर्म करने हैं, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, चाहे डैम कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो। समझ गए बात? तो वो जो बेसिक टेस्ट है, हाँ ये वो टेस्ट है जो सिर्फ साइड के ऊपर परफॉर्म होते हैं, रॉक के ऊपर परफॉर्म नहीं होते, ठीक है। तो साइड के स्वेटिंग के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस या सीव एनालिसिस को कहा जाता है। इसके नाम से जाहिर है कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस से मतलब क्या है कि जो हम सैंपल उठा के लाए हैं, जो डिस्टर्ब सैंपल हम लेके आए हैं फील्ड से, इसको हमने इसके अंदर मौजूद तमाम ग्रेन को एनालाइज करना है कि उनकी रेशियो क्या है। हमने उसकी रेशियो को आइडेंटिफाई करना, उसकी परसेंटेज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसकी परसेंटेज की बेस के ऊपर उसको नॉमेनक्लेचर देना है और नॉमेनक्लेचर की बेस के ऊपर उसके बाकी टेस्ट डिफाइन होंगे कि कौन कौन से टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं। तो लिहाजा सबसे पहला जो टेस्ट हमेशा परफॉर्म किया जाएगा लैब के अंदर वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस को कहा जाता है। अब वेंडर स्केल आप सबने पढ़ा हुआ है, वेंडर स्केल के मुताबिक जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने यहाँ पे ये लिख दी हुई है कि ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने टेस्ट के थ्रू ये वैलिडेट करना है कि जो सैंपल हम कलेक्ट करके आए हैं उसके अंदर बोल्डर्स कितने हैं, उसके अंदर कॉबल्स कितने हैं, उसके अंदर ग्रेवल्स कितने हैं, सिल्ट कितनी है, सैंड कितनी है और क्ले कितनी है। अब उसकी परसेंटेज की बेस के ऊपर हम उसको उसका एक नाम साइन करेंगे। समझिए ये सारी चीज कब होगी, टेस्ट की बेस के ऊपर, फील्ड की बेस के ऊपर आप उसको नाम साइन नहीं कर सकते। फील्ड के कुछ टेस्ट हैं वो भी साथ साथ बता दूंगा कि हम जब नेक्स्ट टेस्ट के अंदर जाएंगे तो फिर आपको उसके अंदर बताऊंगा कि फील्ड के अंदर भी हम इसको एक ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हम एक जो नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, फील्ड का नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, तो उसके
ऊपर हमको कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहली चीज है जो ब्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर ही मैंने इन तीनों साइजेस को एक ग्रुप में कर दिया है कि व्हेन वन स्केल पे तो आप ये सारे साइजेस अलग अलग पड़े हैं ना जी सर, लेकिन इंजीनियरिंग जॉबी की जब हम बात करेंगे तो हम इन तीन साइजेस को एक ही नामकरण देते हैं जिसको कहते हैं ग्रेवल्स। कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के अंदर स्पेसिफिकली के बोल्डर्स को भी हम ग्रेवल का नामकरण भी देंगे, क्योंकि बोल्डर का हम सैंपल उसको उठा के लैब के अंदर ला के टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते, समझ आती बात। तो लिहाजा हम जो इंजीनियरिंग जॉबी के अंदर नामकरण देते हैं तीनों साइजेस को, वो नामकरण देते हैं ग्रेवल्स का। ठीक हो गया, पहली चीज तो ये है। दूसरी इसके साथ में ये लाइंस दिखाई हैं, ये कुछ बैरियर्स हैं जो हम सीव एनालिसिस कहते हैं। सीव किसको कहते हैं? छाननी। छाननी। अब छाननी जो है ये सीव जो है उसकी बेसिकली पहले आपको साइंस समझनी है कि वो है क्या। बेसिकली आपने आटा की छाननी देखी है ना? जी सर। ठीक है, अब हम इस सीव को साइजेस के अतबार से देखते हैं कि हर सीव के अंदर कुछ ओपनिंग होती है, स्क्वेयर के अंदर ओपनिंग होती है, स्क्वेयर की उसमें, और इसके अंदर जो एक स्क्वेयर है वो एक इंच के बराबर होगा। ठीक हो गया, तो एक स्क्वेयर जो है वो आपका एक स्क्वेयर इंच का डायमीटर हो गया इसका, समझ गया। सीव ओपनिंग जो है वो एक स्क्वेयर इंच की होती है। अब आगे जब मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि यहां पे हम सीव एनालिसिस के ऊपर, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि हम कहते हैं कि नंबर 4 सीव जो है वो डिवाइडर है ग्रेवल और सैंड का, कि नंबर 4 सीव के ऊपर जो रिटेन कर रहेगा वो सैंड कहलाएगी, जो नंबर जो ऊपर रिटेन कर जाएगा वो ग्रेवल कहलाएगा, और जो उसे पास कर जाएगा वो सैंड कहलाएगी। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस नंबर 4 से जो पास हुआ है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, 4 से जो पास हुआ उसमें तीन साइज और हैं। ठीक हो गया, सिर्फ किस चीज को साफ किया इसने? ग्रेवल्स को साफ कर दिया इसने, या बोल्डर्स टॉपर्स और ग्रेवल्स को इसने साफ कर दिया यहाँ पे। अब ये बैरियर है 4 नंबर सीव का। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इस 4 नंबर सीव का मतलब क्या है। जब मैं नंबर की बात करूंगा तो ये ध्यान रखें कि एक स्क्वायर इंच के अंदर 4 कैपिंग होंगी, तो तब हम उस सीव को 4 नंबर सीव कहेंगे। बात समझ आ गई? एक स्क्वायर इंच के अंदर जब 4 ओपनिंग होंगी तो हम उसको 4 नंबर सीव कहेंगे। अब इसी तरह आप जब 200 नंबर सीव की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 इंच स्क्वायर इंच के अंदर 200 ओपनिंग होंगी। अब आप अगर तसव्वुर कर लें कि हम चूंकि कोर्स से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया, जब मैं नेक्स्ट सीव का जिक्र करूंगा यहां पर सैंड की, कि ये उसका बैरियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सैंड जो है वो और सेंट का जो बैरियर है वो नंबर 40 सीव है, क्या है नंबर 40 सीव। अब इस नंबर 40 का मतलब क्या हुआ कि इसी एक स्पेस के अंदर 40 ओपनिंग मौजूद है। बात समझ गए? हम इसी तरह आप सिर्फ ये ध्यान में रख लें कि 4 नंबर सीव के ऊपर जो मटेरियल होगा उसका जो साइज एमएम के अंदर है वो अलग से होगा, कि इसको हम 4.75 मिलीमीटर कहते हैं। ठीक कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर खाना 4.75 एमएम के बराबर है। समझ आई बात? करेंगे ठीक है। तो अब जो आपका सैंड और सिल्ट का डिवीजन है वो 40 नंबर सीव के ऊपर है। अब सिल्ट और क्ले का जो बैरियर है वो नंबर 200 सीव है।
40 नंबर से बात क्या है कि इसका जो कॉस्ट का मटेरियल होगा वो सैंड होगी, ठीक है, और इसका रिटेन शुदा मटेरियल, रिटेन शुदा मटेरियल सैंड होगी और कॉस्ट का मटेरियल सिल्ट और क्लेज होगी, क्लेज होगी। और प्राइस है सबसे ऊपर, प्राइस की बात बाद में बताऊं नेक्स्ट स्टेप में कि अब 200 से फाइनल जितना भी साइज है वो आपका क्ले साइज है। एक स्टैंडर्ड ये कहता है, एक स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो सीव है वो 100 नंबर पे सैंड पर है, 40 नंबर की जगह पे हमने 100 नंबर पर रखा हुआ। दोनों की ऐसी एक स्टैंडर्ड है और दोनों फॉलो होते हैं, समझ आ गई बात। तो अब जो कोलाइड्स है वो तो फाइनल क्ले पार्टिकल जो है वो सारे के सारे कोलाइड्स है, जिसको हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। ये वो पार्टिकल्स है जिनका अपना वेट कोई नहीं होता, लेकिन जब इनके साथ मॉइस्चर होता है तो ये अपना वेट भी बना लेते हैं। ये वो डस्ट पार्टिकल्स है कि जब ये सनलाइट इस पर से गुजरती है इस खिड़की में से, इस विंडो में से, तो आप उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं ना, ग्लो सारे हो गए, ये वो डस्ट पार्टिकल्स है। लेकिन जब ये एकॉमोडेट होते हैं पानी के अंदर होते हैं, मॉइस्चर कंडीशन में होते हैं, तो फिर ये अपना वेट भी रखते हैं, अदरवाइज ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस नहीं होता, उसके लिए हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस होता है। तो एक तक से तक है। वो 2.063 mm तक जो है वो आपका सैंड का साइज है, और सिल्ट का साइज क्या है, और ये लेस देन 0.002 mm आपका क्ले साइज है। अच्छा, अब इस बात की समझ आती है कि बैंक साइज का एनालिसिस क्या है, तो हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिकल हम कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हर सीट की ओपनिंग उसका नंबर असाइन करें, कि जब आपको आगे आ जाएगा कि इसके ऊपर आपने सीट एनालिसिस परफॉर्म करना है, जो साइज सैंपल आप कलेक्ट करके लाए हैं, तो जब आप उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उस टेस्ट के दौरान आपने हर सीट को देखना है तो कौन सा नंबर आप सीट का यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब नंबर सीट का सिर्फ इसलिए कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगी कि जो साइज सैंपल में लेके आया हूं उसमें ग्रेवल कितने परसेंट है, सैंड कितने परसेंट है, क्ले कितने परसेंट है, क्ले कितने परसेंट है। अब ये जब नतीजा मेरे पास हो जाएगा, तो जब परसेंटेज की बेस के ऊपर मेरे पास नतीजा हो जाएगी, तो उस परसेंटेज को मैं यूज करूंगा उसको नाम देने के लिए। जब मैं उसका नाम असाइन करूंगा, तो अब ये ऐसी कॉमन लैंग्वेज है कि आपने सिर्फ अपने रिसर्च पेपर में या आपने अपने थीसिस के अंदर सिर्फ उसका नामक्लेचर दिया होगा, या आपकी रिपोर्ट के अंदर उसका नाम दिया होगा, और पढ़ने वाला उसको फौरन समझ जाएगा कि ये किस किस्म की साइल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बात क्लियर होगी यहां तक? अच्छा, अब इससे पहले ये टेस्ट स्टार्ट करूं, पहले तो एक चीज ये रखते हैं कि हम कोई भी साइल मैकेनिकल टेस्ट जब भी परफॉर्म करेंगे उसके लिए कुछ प्रिडिक्शन और तमाम टेस्ट के लिए, चाहे वो रॉ के सैंपल दो, साइल के सैंपल, उनके लिए शर्त क्या है, सबसे पहली चीज ये कि हम उसको ड्राई करेंगे, और ड्राई के दो तीन मेथड है, एक ये कि हम उसको ब्लेंड के ऊपर कर सकते हैं, और दूसरा है ओवन मेथड के थ्रू, और तीसरा जो है सन ड्राई भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट में ओवन है,
तो हम इसको ओवन में रखते हैं सॉयल सैंपल को, और सॉयल सैंपल के लिए प्री डिटर्जेंट ये है कम से कम 24 आवर्स के लिए ओवन के अंदर रखेंगे। और दूसरा प्री डिटर्जेंट ये है कि हम इसका जो टेम्परेचर होगा ओवन का वो 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये प्री डिटर्जेंट है, अब आपको बार बार टेस्ट में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको जो किस डिग्री के लिए ओवन में रखना सैंपल और 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, हर टेस्ट के लिए प्री डिटर्जेंट है। समझा की बात, ये बेसिक चीज है जो हर साइज सैंपल में भले कोई से जैसा परफॉर्म करेंगे आप उसके ऊपर ये काम करेंगे। फिर इससे पहले क्या टेस्ट स्टार्ट करें, हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सैंपल के बारे में नहीं कर लेना, वेट कर के रहे ना सर, वो मास्टर के लिए है, वो फिर वेट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ सैंपल सर वो बाद में होगा। अब हम लैब के अंदर आपने सैंपल कलेक्ट करके लाया, वो तकरीबन 30-35 केजी सैंपल है, ठीक है। हमने सैंपल 30-35 केजी सैंपल लाया, जबकि उसके ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म होगा उसमें से कोई किसी टेस्ट के अंदर 200 ग्राम सैंपल चाहिए होगा, किसी के अंदर 250 ग्राम चाहिए होगा, और किसी के अंदर 4-5 केजी सैंपल आपको चाहिए होगा। अब हमने 30 केजी सैंपल में से हमने कितना सैंपल निकालना है, 5 केजी मैक्सिमम निकालना है, तो हमें वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। ये लोगों के अंदर तोड़े ऊपर जो सबसे ऊपर मटेरियल है सर उसका टेस्ट परफॉर्म कर लो, सैंपल बैग के अंदर जो सबसे टॉप पे है उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर दूं, तो वो सारे के सारे सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल हम लैब के अंदर कैसे करते हैं, दो मेथड्स हैं, एक डिफरेंट बेस्ड है और एक एक्सपीरियंस बेस्ड है। एक को हम कहते हैं क्वार्टरिंग और दूसरे को हम कहते हैं रिफ्रेंट। रिफ्रेंट जो है ये ऑपरेटर बेस्ड है और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। सबसे पहले क्वार्टरिंग को समझते हैं कि क्वार्टरिंग क्या है, कि हमने 35 केजी सैंपल लिया और उसमें से 5 केजी हमने निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि उस सारे सैंपल को ओवन में ड्राई होने के बाद जब हम उसको ओवन से निकालेंगे तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है हमने, क्योंकि वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऐसा है, तो हम उसको पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर लाएंगे। मीन्स आधा घंटा हम उसको उस जो ओवन से बाहर छोड़ देंगे, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर हम उसके बाद उसके अंदर जो पूरे लम्स होंगे उन लम्स को हमें रबर हैमर से ब्रेक करना है। लम्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पत्थरों के क्रश करने की बात नहीं कर रहा, जो पेबल पत्थर उसके अंदर होंगे उनको क्रश करने की बात नहीं कर रहे, क्ले के जो लम्स होंगे उनको अपने रबर हैमर से ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद उसको एक बड़ी ट्रे के अंदर डाल देना है। उसको हमें एक बड़ी ट्रे के अंदर डाल देना है, ये आपके पास एक स्क्वायर ट्रे है, इस ट्रे के अंदर आपने सैंपल को डाल दिया और उस सैंपल के अंदर आपने किसी रॉड की मदद से चार अंदाजे से चार इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड कर देना है। 35 केजी सैंपल है आपका, कितना 35 केजी, अगर इसको 36 केजी तो चार हिस्सों में जब ये डिवाइड होगा तो ये एक हिस्सा कितने केजी के बराबर आ गया, 9 केजी के, ठीक है। तो मैंने जब इनको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सिंपल एक रॉड से लाइन लगा दी उसकी, लाइन लगाने के बाद मैंने कोई से दो हिस्से एक ट्रे में डाल देने और कोई से दो हिस्से दूसरी ट्रे में या इसी ट्रे में रहने देने, कोई से दो हिस्से में ये दोनों क्रॉस ये दोनों जो हिस्से हैं इनको निकाल के दूसरी ट्रे में डाल दिया। अब मेरे पास इस ट्रे के अंदर कितना बच गया, 18 केजी, 18 ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया, दोबारा उस 18 केजी सैंपल को उसके अंदर स्प्रेड कर दिया, इमान स्प्रेड करने के बाद फिर उसके अंदर मैंने क्वार्टरिंग की,
फिर मैंने उसके अंदर से सैंपल के दो निकाल दिए, कोई से दो, ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, इस क्लास में कोई से दो सैंपल हमने निकालने हैं। वो दो सैंपल निकालने के बाद अब मेरे पास इसमें 9 kg सैंपल बच गया है। थर्ड टाइम में परफॉर्म करूंगा क्योंकि मुझे 5 kg सैंपल चाहिए था। थर्ड टाइम परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास 5 kg तकरीबन सैंपल बच जाएगा। अब वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, उसमें मेरी कोई बायसेस शामिल नहीं है, उसमें किसी ऑपरेटर की बायसेस शामिल नहीं है, उसमें कोई प्रोसीजर बायसेस शामिल नहीं है। अब ये आपका सैंपल सिलेक्ट हो गया और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वो टेस्ट परफॉर्म करना है। ये था क्वार्टरिंग का मेथड, जिसमें एक ऑपरेटर है जिसके अंदर ये ट्रे होती है टॉप पे और वो ट्रे दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड होती है और इसके ऊपर स्टॉपर होता है। हम क्या करते हैं, सारा सैंपल इसके अंदर डाल दिया, वो सैंपल इसके अंदर ऐसे पड़ेगा और हमने स्टॉपर को खींच दिया। अब होगा क्या, आधा सैंपल इधर जाएगा, आधा सैंपल इधर जाएगा, ठीक है, 200 पे डिवाइड हो गया और मैं अपने रिक्वायर्ड सैंपल का के रिफिलिंग का ऑपरेटर यूज करूंगा। बात समझ आ गई कि नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये है कि हम जो सेक्शन ऑफ सैंपल है वो बायसेस से हट के हो कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले और साइड का, ये साइड के सैंपल की बात हो रही है और ये काम हम एग्रीगेट के सैंपल के ऊपर भी करते हैं। रॉक के सैंपल के ऊपर ये मेथड नहीं है सेक्शन ऑफ सैंपल का, ये सिर्फ एग्रीगेट के सैंपल के ऊपर या साइल के सैंपल के ऊपर ये दोनों टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इसको क्वार्टरिंग और रिफिलिंग कहा जाता है। शायद जो दोनों लिए होंगे वो मिक्स हो जाएंगे आप कौन से दोनों जो सैंपल इधर लग रहे होगी इधर लग रहे होगी ठीक है।